मतलब इस पागल को नीतीश कुमार भी अरेस्ट करें, जो हमारी बेटी, हमारी बीवी, हमारी माँ को रेप करने की धमकी दे रहा है। मैम 32 साल की उम्र में मैं एक चीज सुना था कि लोग मारने की धमकी, फिरौती की धमकी देते हैं, रेप का धमकी कौन होता है? अगर रेप की धमकी मैंने आपको दिया तो वो वीडियो कहाँ है, वो ऑडियो कहाँ है? आज पूरा बिहार उस ऑडियो का इंतजार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कलाकार इस प्रकार के गानों को बजाकर हमारे बिहारी की माँ बहनों को रेप करने का काम कर रहे थे। माँ को क्या कहेंगे, अरे भैया तू गर्लफ्रेंड के साथ क्या करोगे, गर्लफ्रेंड के माँ को क्या कहोगे, साथ सोशल मीडिया पे जाके कर दोगे, अपने गानों के जरिए नहीं कर दोगे? तो ये सब चीजें को लेकर पाबंदी हम दोनों भाइयों ने लगाया और लोग की हेकड़ी गुम हो गई। मगहिया जवान के गौतम का एक वीडियो और उसके बाद बिहार में भोजपुरी के जानने वाले लोगों ने यादव और राजपूत में लड़ाई शुरू कर दिया है। ये विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मेरा नाम निशा ओझा है। अपनी सफाई में आज गौतम सिंह ने कहा है कि अगर मैंने खेसारी लाल के परिवार में उनकी बेटी या उनकी पत्नी को रेप की धमकी दी है तो उसका वीडियो अब तक सामने क्यों नहीं आया है। और भी अपने सफाई में क्या कुछ कहा है गौतम सिंह ने, सुनिए। राजपूत वाले ऑफिशियल चैनल से लाइव था और कुछ अश्लील कलाकार के समर्थन करता हमारी माँ बहनों की गालियां दे रहे थे। तो मैं भी इंसान ही हूँ तो मुझे लगा कि हालांकि मुझे भी वैसा नहीं करना चाहिए था, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं भी अपना आपा खो के दो तीन लोगों को मैं भी बद्दी बद्दी बातें कहा। तो उस वीडियो को कट करके जिसमें मैं किसी कलाकार का नाम तक नहीं लिया था, ना किसी माँ बहन बेटियों के बारे में कुछ कहा गया था, तो उस वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड करके इन्होंने शेयर किया अपने फेसबुक के माध्यम से, जो निरंतर इस प्रकार की विवाद करने में मास्टर माइंडेड है, चाहे वो कास्टिज्म कार्ड हो या फैंस कार्ड हो और इस बार फैमिली कार्ड खेलना चाहे। कहीं ना कहीं हमारे मुहिम में आज लोगों का इतना समर्थन यूपी, बिहार, झारखंड से मिल रहा है कि इन लोग की बोलती बंद हो गई है। अश्लील गाना पहले माँ बहन बेटियों पे गा देते थे, जाति पे गा के दूसरे जाति को नीचा दिखाते थे, अपने जाति को ऊंचा दिखाते थे, इस प्रकार की चीजें अब चल नहीं रही है इनकी। तो लगा कि अब आवाज सिर्फ इसका बंद करना चाहिए, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और इन्होंने शेयर किया कि इस विक्षिप्त प्राणी को, मतलब इस पागल को नीतीश कुमार जी अरेस्ट करें, जो हमारी बेटी, हमारी बीबी, हमारी माँ को रेप करने की धमकी दे रहा है। मैम 32 साल की उम्र में मैं एक चीज सुना था कि लोग मारने की धमकी, फिरौती की धमकी देते हैं, रेप का धमकी कौन होता है? अगर रेप की धमकी मैंने आपको दिया तो वो वीडियो कहाँ है, वो ऑडियो कहाँ है? आज पूरा बिहार उस ऑडियो का इंतजार कर रहा है। तो सरासर मनगढ़ंत और हमारे तहत साजिश किया जा रहा है, विरोध है हमारा। भोजपुरी भाषा से विरोध नहीं है, बहुत प्यारा, बहुत मीठा भाषा है, इसमें एक से एक दिग्गज लोग आए हैं जो तरह तरह के चीजों को रखा है समाज में, जिसके जरिए दहेज प्रथा के भी कुछ गाने आते हैं, वैसे चीजों का विरोध नहीं, कुछ शब्दों का विरोध करते हैं। हमारा लड़ाई किसी विशेष कलाकार या विशेष जाति से नहीं है, हमारा लड़ाई अश्लील लोगों से है, अश्लील कलाकारों से, जिसमें अगर बहन बेटियों का नाम का कोई गाना गाता है कलाकार, उसके विरोध हम करते हैं कि अगर जिस गाने को तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन साथ में बैठकर नहीं सुन सकती, नहीं देख सकती, फिर हमारी यूपी बिहार की माँ बहनें कैसे सुन सकती, देख सकती है? हमारा इस मुहिम के जरिए अगर किसी जाति को नीचा दिखाया जाता है, जैसे अहिरान बबुआन किया जाता है, दूसरे जाति को कहा जाता है कि तुम नीचे बैठो, अरे भैया भगवान ने सारे लोगों को इंसान के रूप में पैदा किया है, ये धरातल पर आके सबका विभिन्न विभिन्न जाति में लोगों का बंटवारा हुआ है, सबको तो मानव के रूप में एक रूप में बनाया है भगवान, तो नीचा किसी को क्यों दिखाना? सबको जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन मनमानी इन लोगों की इतना बढ़ गई थी कि कुछ भी गा दे रहे थे, कुछ भी गा दे रहे थे, जो मतलब समाज का कहीं भी नहीं सुन सकते। और हमारी पता है कहीं ना कहीं हम भी एक बेटी का बाप हैं और एक बाप के अनुभूति से मैंने एहसास फील किया कि कहीं ना कहीं, बताइए बेटियां, माँ बहने अगर कहीं बाजार जाती है, बस ट्रक पे गाना बजते दिखते हैं उन्हें, तो माँ बेटियों का दिल ऐसा होता है कि भाई बाप को नहीं आकर कहेगी कि देखिए ना इस प्रकार की गाना हमको देखने के बाद बजाने लगा। तो कहीं ना कहीं कलाकार इस प्रकार के गानों को बजाकर हमारे बिहार यूपी की माँ बहनों को रेप करने का काम कर रहे थे।